नेटफ्लिक्स की क्वालिटी कंटेंट यार ऊपर से हमारी पसंद की मिल जाए तो उसका नशा दिमाग से उतरता ही नहीं। ऊपर से इनके वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल की हिंदी डबिंग सीधा कनेक्ट करती है। तो आज के वीडियो में मैं से ही टॉप 7 कुछ बेहतरीन नेटफ्लिक्स वेब सीरीज लाए हैं जिनकी क्वालिटी में कॉन्टेंट एक से बढ़कर एक है। तो बताइए भाई लोग, ऐसी क्वालिटी कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आप लोग वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और खुशी की बात है, इसमें भी कुछ ऐसी सीरीज के बारे में बताएंगे जो इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा, जिन्हें हम बोनस सीरीज कहते हैं। तो बोनस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। और हमारी प्रीवियस मोस्ट पॉपुलर सीरीज का लिस्ट नहीं देखे तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी सिर्फ बेस्ट देखने को ही मिलेगा। तो चलिए कुछ बेहतरीन नेटफ्लिक्स सीरीज को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 5 की सीरीज की कॉन्सेप्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एकदम से कुछ सुपर पावर मिल जाए और एक दिन एक एंजल आपके पास आकर बोले कि आपको चुना गया है गॉड के द्वारा दुनिया की मदद के लिए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है नंबर 5 की सीरीज, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया फैंटेसी कॉमेडी के साथ गॉड्स फेवरेट इडियट। सीरीज को कॉमेडी वे में रखने की कोशिश की है, तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखिएगा। एक सिंपल सा कॉमेडी वे में फैंटेसी सीरीज देखना चाहते हैं तो एक ट्राई दे सकते हैं। एटलीस्ट ये सीरीज आपको बोर नहीं करती। सीरीज नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज यार, अगर आपको रिवेंज थ्रिलर टाइप सीरीज देखना पसंद है तो ये टर्की सीरीज आपके लिए। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया ड्रामा थ्रिलर के साथ एज द क्रो फाइल्स। सीरीज की स्टोरी टर्की की सबसे फेमस एंकर की है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उनकी लाइफ में एक एस्ले नाम की लड़की की एंट्री होती है। उसके बाद से उनकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। क्यों यार ऐसा क्या करती है, आप सीरीज देखिए। सीरीज वन टाइम मस्ट वॉच है। टर्की सीरीज की खासियत है, एक एपिसोड खत्म होने के बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने पे मजबूर कर ही देती है। सीरीज को देखिए, खूब सारा ट्विस्ट एंड टर्न वाला एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखिएगा। इसके एंडिंग थोड़ा डिसअपॉइंट करती है, बाकी सीरीज को एक ट्राई देकर देखिए। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज, अगर आप एक सिंपल एंड स्वीट वे में कॉमेडी सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मिस्टर बीन के साथ, जिन्हें आपको हंसाने के लिए डायलॉग का भी जरूरत नहीं, तो ये नेटफ्लिक्स सीरीज आपके लिए। हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया 22 की मिनी टीवी सीरीज फैमिली कॉमेडी के साथ मैन वर्सेस बी। अगर आप अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हैं तो इस सीरीज को देखिए, आपके लिए कोई थेरेपी से कम नहीं होगा। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। बचपन में हम सभी को कहानियां सुनने का बड़ा शौक होता है, वो भी दादी अम्मा की फैंटेसी दुनिया की कहानियां। जैसे जैसे बड़े हुए फिर बुक की तरफ लगाव बढ़ा, पर इस मॉडर्न और बिजी लाइफ में हमें उसे पढ़ने का टाइम कहां। आज हम आपके लिए लाए इंडिया की नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म कुकू FM, जिसमें हमने माधुरी दीक्षित बाय मोनिका पाटीदार ऑडियो बुक सुना, जिससे हमें सीखने को मिला कि फेलियर ही सक्सेस का सबसे बड़ा कारण होती है। और इस ऐप पे 4000 प्लस ऑडियो शो अवेलेबल है, वो भी आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कई सारे सेलिब्रिटी की स्टोरी, उनकी बायोग्राफी, मोटिवेशनल स्टोरी और सबसे बड़ी बात, दुनिया की कई सारे बेस्ट सेलिंग बुक और उनका समरी, वो भी हिंदी और इंग्लिश ऑडियो फॉर्मेट में। तो इसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं और हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड TKR50 यूज करते हैं तो 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आप केवल 199 में ले सकते हैं। और हाँ, ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर तक वैलिड है, तो जल्दी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज नेटफ्लिक्स ने प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग वे में हमारे सामने रखने की कोशिश की है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की मिनी सीरीज कॉमेडी रोमांस ड्रामा के साथ बेबी फीवर। सीरीज की स्टोरी नैना पे बेस्ड है, जो एक क्लिनिक में फर्टिलिटी डॉक्टर है। कहानी का ट्विस्ट तो यह है कि उनके पास सिर्फ 6 महीना ही बचा है प्रेग्नेंट होने के लिए। कहानी में आपको यही देखना है कि डॉक्टर नैना खुद को कैसे प्रेग्नेंट करती है, उसके बाद उनके साथ क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आती है, वो देखने में काफी मजा आता है, जिसके वजह से आप सीरीज से एंड तक एंगेज रहते हो। नो डाउट सीरीज को देखिए अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, केवल 6 एपिसोड का मिनी सीरीज, वो भी करीबन आधे घंटे की हर एक एपिसोड, और इन सबसे ऊपर डॉक्टर नैना की एक्टिंग आपको बोर नहीं होने देती। सीरीज 18+ है तो फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते। सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज भाई वैम्पायर मॉन्स्टर डीमन टाइप सीरीज देखना किसे पसंद नहीं। ऐसी खतरनाक सीरीज को एक्सपीरियंस करने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है नेटफ्लिक्स की तरफ से, जिसे हाल ही में हिंदी में रिलीज किया गया हॉरर ड्रामा के साथ फर्स्ट किल। सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। एक फीमेल वैम्पायर और एक फीमेल वैम्पायर हंटर के बीच की लव स्टोरी होगी ना काफी कमाल की। एक दूसरे की जान की दुश्मन, कैसे धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच वो लव वाला इमोशन देखने में मजा बहुत आता है। नो डाउट सीरीज को देखिए। बात करें इसकी सबसे बेस्ट पार्ट की तो इसके कॉन्सेप्ट, बीच बीच में वो मॉन्स्टर हंटिंग की फाइट सीन, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी वो लव वाला अट्रैक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। बस हमको थोड़ा सा खटका, दो फीमेल के बीच की लव स्टोरी, उनके जगह मेल कैरेक्टर होता तो ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट होता। लेकिन फिर भी आप सीरीज को देखिए। सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है।
नंबर वन से पहले बोनस नंबर टू की सीरीज भाई खतरनाक लेवल की माइंड ब्लोइंग सीरीज। यार एक अनजान लड़की किसी की लाइफ में स्ट्रेंजर बनकर आती है और उनकी सारी पोल उसकी डार्क साइड बटाकर उनकी लाइफ को उथल पुथल कर एक स्ट्रेंजर की तरह गायब हो जाती है। जी हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से क्राइम मिस्ट्री ड्रामा के साथ द स्ट्रेंजर। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो मेरा हाईली रिकमेंड है, सीरीज को देखिएगा जरूर। नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर वन की सीरीज हमने इसके ओरिजिनल वर्जन के लिए देखा जिसे हम ऑडियंस ने एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया था, पर इस सीरीज के रीमेक ने हमें डिसअपॉइंट किया। अगर आप इसके ओरिजिनल वर्जन देख रखा होगा तो टाइम वेस्ट ना करिएगा। जी हाँ भाई, हम बात कर रहे मनी हाइस्ट कोरिया की। इस सीरीज को हमने हाई एक्सपेक्टेशन लेकर देखा था कि मनी हाइस्ट कोरियन वर्जन खतरनाक होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोरियन ड्रामा के फैन है और इसके ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो डेफिनेटली इस सीरीज को सेलिब्रेट करिएगा। बस इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा ओरिजिनल वर्जन की तरह कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करा पाई। अगर आपने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा होगा तभी इस सीरीज को देखिएगा, नहीं तो इग्नोर करिए, कुछ खास नहीं है। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो बताइए भाई लोग, ऐसी क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को मिस करिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए टॉप रिव्यू टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। और हाँ, कुकू FM को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।